और इसी बीच बड़ी खबर सलमान खान से जुड़ी आ रही है। सलमान खान को फिर से मिली है धमकी। बाबा सिद्दीकी के बेटे को भी धमकी मिली है। जिशान सिद्दीकी ने मुंबई पुलिस से शिकायत की है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 20 साल का आरोपी गुरफान खान नोएडा से गिरफ्तार हुआ है। तो एक बार फिर से सलमान खान को धमकी मिली है। साथ ही जिशान सिद्दीकी जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, बाबा सिद्दीकी की कुछ दिन पहले ही हत्या कर दी गई थी। जिस तरह से उन पर फायरिंग हुई जब वो अपने बेटे के ऑफिस से बाहर आ रहे थे, और अब एक बार फिर से जिशान सिद्दीकी को धमकी मिली है और साथ ही सलमान खान को भी धमकी मिली। और इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस से जिशान सिद्दीकी ने शिकायत की, उसके बाद 20 साल का आरोपी जो है गुरफान खान वो नोएडा से गिरफ्तार हुआ है। तो जिशान सिद्दीकी को मिली धमकी और साथ ही सलमान खान को भी धमकी मिली है। बाबा सिद्दीकी मामले में अभी लगातार पुलिस जो है वो जांच कर रही है। 8 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं। कहां से हथियार लाया गया, कैसे शूटर्स के पास पहुंचाया गया, कैसे फिरौती की रकम उन तक पहुंचाई गई, इसको लेकर लगातार तमाम पहलुओं पर, तमाम एंगल पर जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है बाबा सिद्दीकी के मामले में। सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। बाबा सिद्दीकी के बेटे को भी धमकी मिली है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नीतीश शाह इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है? जिशान सिद्दीकी और सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई है, हालांकि धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए गिरफ्तार किया गया शख्स जो है नोएडा से, जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरफान खान जो है बताया गया है। 20 साल के करीब जो है इसकी उम्र बताई जा रही है। जो माहौल यहां पर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बना था, उस पूरे माहौल को देखते हुए कहीं ना कहीं ये आरोपी जो है इसका फायदा उठाते हुए पैसों की उगाही जो है वो करने की कोशिश कर रहा था। सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को फोन के जरिए धमकी देकर जो है पैसों की उगाही करना इसकी मंशा थी इसके पीछे। हालांकि इस पूरे मामले में जो है अभी भी कार्रवाई जारी है, पुलिस की जांच जारी है, और ऐसे में इसे मुंबई लाया जाएगा और मुंबई लाए जाने के बाद इसे कोर्ट में पेश करके, मुंबई के खिलाफ कोर्ट में पेश करके इसके पुलिस डिमांड की जो है मांग की जाएगी। लेकिन इन सब में सवाल यही है अभी भी कि ये सचमुच में किसी गैंग से जुड़ा हुआ है, लॉरेंस में गैंग से जुड़ा हुआ है या किसी अन्य गैंग से जुड़ा हुआ है, और ऐसा नहीं तो क्या कुछ इसकी जो है मंशा थी। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो है अभी तक जानकारी मिली है पैसों की उगाही करना जो है इसकी मंशा थी। जो माहौल बना हुआ है उस माहौल का फायदा उठाते हुए यहाँ पर जिशान सिद्दीकी और सलमान खान से पैसों की उगाही करना चाहता था आरोपी भी अन्य। जी चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा। महेंद्र माही भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र माही, गुरफान नाम का जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसके पीछे की क्या कुछ हिस्ट्री अभी सामने निकल कर आई है और इस पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? अनन्या देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही जो नोएडा पुलिस के डीसीपी थे रामवर्धन सिंह, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि जो 19 साल का लड़का जो गिरफ्तार हुआ है, मूल रूप से रहने वाला तो ये बरेली का है मगर कुछ दिनों से ये दिल्ली रह रहा था, और जब इसने बाबा सिद्दीकी के लड़के जिशान सिद्दीकी को दफ्तर में फोन कॉल करके धमकी दी थी और सलमान खान के दफ्तर में फोन करके धमकी दी थी, तब पता चला कि इसका नाम मोहम्मद तैयब है और 19 साल का रहने वाला है। पेशे से ये कारपेंटर है और नोएडा के सेक्टर 104 में ये छुपा हुआ था। जब मुंबई पुलिस ने ट्रैकिंग लगाया, यानी कि जिस व्हाट्सएप कॉल पे इसने बातचीत की थी, टेलीफोन पे जिससे बातचीत की थी, तो लगातार ट्रैकिंग की जा रही थी, तो लगातार जो फोन की लोकेशन वो ट्रेस की जा रही थी और दिल्ली एनसीआर की बताई जा रही थी। ऐसे में जो मोहम्मद तैयब है उसको थाना 39 पुलिस के साथ साथ जो मुंबई पुलिस है जो आई थी, दोनों के संयुक्त ऑपरेशन में इसको नोएडा से गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो तमाम चीजें हैं जो तैयब, मोहम्मद तैयब के पास से मिली है, उसको मुंबई पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब ये जानकारी जुटा रही है कि आखिर मोहम्मद तैयब क्या किसी गैंग से जुड़ा हुआ है या किसी आरोपी के साथ जुड़ा हुआ है या केवल एक कह सकते हैं सोशल मीडिया। और एक बड़ा सवाल ये भी है महेंद्र कि गुरफान जो है क्या किसी गैंग से, क्योंकि इस बात का तो आप जिक्र कर ही रहे हैं, क्या किसी गैंग से जुड़ा हुआ है, क्या लॉरेंस गैंग से किसी तरह का कोई संबंध तो नहीं है गुरफान का, और क्या कुछ और भी गिरफ्तारियां गुरफान से जुड़े लोगों की हो सकती है?
बिल्कुल देखिए अनन्या, पहले बता रहे हैं कि जो गुरफाम नाम शुरू में निकल कर आया था, मगर पुलिस ने अब बताया है कि इसका नाम गुरफान नहीं, इसका नाम मोहम्मद तैयब है, जो कि 19 साल का लड़का है, पेशे से कारपेंटर, यानी कि घरों में पुताई उताई की मरम्मत का काम करता था, ऐसा जो पहली सूचना नोएडा पुलिस ने बताई है। और बताया जा रहा है कि मूल रूप से यानी कि जो उसका होम टाउन है उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है, कुछ दिनों तक ये दिल्ली में छुपा था, उसके बाद ये नोएडा आया था, नोएडा के सेक्टर 104 में हाजीपुर गांव है वहां ये छुपा था। ऐसे में जो तमाम सवाल है नोएडा पुलिस ने किया, उसके बाद जो फर्दर जानकारी थी वो मुंबई पुलिस को दिए, और लगातार जो मुंबई पुलिस है इसकी कॉल ट्रेसिंग कर रही थी, कॉल डिटेल देख रही थी, आखिर इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। हमने जब बातचीत की नोएडा पुलिस से तो उन्होंने बताया, देखिए अब तक हमें इसकी कोई ऑफिशियल हिस्ट्री नहीं मिली, क्योंकि पुलिस के पास ऐसे कई वेबसाइट होते हैं इनके खुद के, जहाँ ये आधार कार्ड या किसी का प्रोफाइल डालते तो उनकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री होती है पूरी खुली कहीं ना कहीं विस्तार रूप से आ जाती है। तो ऐसे में जांच ये की जा रही है कि आखिर किस पर्पज से इसने जिशान सिद्दीकी को धमकी दी, सलमान खान को धमकी दी, क्या ये पैसे की डिमांड थी या किसी गैंग से जुड़ा था, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या अन्य कोई गैंग हो, ऐसे तमाम पहलू पर तमाम तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। अभी कहना ये गलत होगा कि ये लॉरेंस बिश्नोई का आदमी था या किसी और गैंग का आदमी था, ऐसा भी हो सकता है ये केवल अपना नाम कमाने के लिए, सोशल मीडिया पे नाम कमाने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि अभी देखा हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले सामने आए, चाहे नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, ऑल ओवर देश की बात करें, यहाँ ऐसे कई मामले आए जहाँ केवल सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का काम किया गया था। ऐसे में ये भी जांच की जा रही है कि क्या सच में जो मोहम्मद तैयब जिसने अपना नाम गुरफान बताया था उसका सच में किसी गैंग के साथ कनेक्शन है, क्योंकि जो मोबाइल है वो कलेक्ट कर लिया गया है, उसमें तमाम जो एविडेंस है वो निकाला जाएगा, क्योंकि अधिकतर मामलों में ऐसा होता है जो आरोपी होता है वो कहीं ना कहीं अपने फोन को फॉर्मेट डाल देता है, पूरी डिटेल वो डिलीट कर देता है। तो ऐसे में अभी ये भी सवाल है कि उसके फोन में क्या क्या ऐसी चीजें जो पुलिस को मिली है, या बांद्रा पुलिस जब उसको अपने साथ ले गई है तो उसके और क्या क्या जानकारी जुटाई जा रही है। मगर सबसे बड़ा जो इनपुट यही मिला था कि जो मोहम्मद तैयब है जो कि रहने वाला बरेली का है, कुछ दिनों से दिल्ली रह रहा था और पेशे से कारपेंटर है, जो कि उसने अब तक पुलिस की जांच में बताया, नोएडा पुलिस की जांच में बताया, क्योंकि संयुक्त ऑपरेशन था, मुंबई पुलिस और नोएडा पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन था, बार बार अपना लोकेशन चेंज कर रहा था इसका, यानी कि उसको भनक लग गई थी कि कहीं ना कहीं जो पुलिस का शिकंजा है वो मेरे ऊपर कसने वाला है, इसलिए वो बार बार लोकेशन भी महेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नीतीश शाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नोएडा से जो शख्स गुरफान नाम का गिरफ्तार हुआ उसका नाम तैयब बताया जा रहा है, सलमान खान को फिर से धमकी दी, बाबा सिद्दीकी के बेटे को धमकी दी और इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। और अब तैयब के पीछे क्या कोई गैंग है, किसके इशारे पर यह धमकी दी गई है, अब इसको लेकर नोएडा पुलिस और मुंबई पुलिस जो है वो जाँच कर रही है। और ये आप आरोपी की तस्वीरें देख सकते हैं, तैयब खान इसका नाम बताया जा रहा है, जिशान सिद्दीकी ने मुंबई पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज की थी। और अब खबर है दिवाली से पहले दिल्ली की हवा में जहर,